नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कोडिंग मास्टर पे। आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज की सीरीज को, और ये सी लैंग्वेज की सीरीज का लेक्चर वन का पार्ट वन है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू सी और हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। इंट्रोडक्शन टू सी के पार्ट में सबसे पहले हम समझते हैं व्हाई इज सी लैंग्वेज सो इम्पोर्टेंट। सी लैंग्वेज को सीखना इम्पोर्टेंट क्यों है? बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो सी लैंग्वेज से बनाए गए हैं। इनमें से कुछ सॉफ्टवेयर ये हैं, ओरेकल जो कि एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है वो भी सी लैंग्वेज से बनाया गया है। माई एस क्यू एल वो भी ओरेकल की तरह एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है जो कि सी लैंग्वेज से ही बनाया गया है। कोर लाइब्रेरीज ऑफ एंड्रॉयड आर रिटन इन सी, जो कोर लाइब्रेरीज हैं एंड्रॉयड की वो भी सी लैंग्वेज से ही बनाई गई हैं। ऑलमोस्ट एवरी डिवाइस ड्राइवर इज रिटन इन सी, जितने भी डिवाइस ड्राइवर हैं वो सारे सी में ही रिटन किए गए हैं। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं कि हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए उनके अंदर जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं वो सारे, उन सबको डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। सभी हार्डवेयर डिवाइसेस में अलग अलग प्रोग्राम सेट किए जाते हैं, उन्हें हम डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। मेजर पार्ट ऑफ वेब ब्राउजर इज रिटन इन सी, जो वेब ब्राउजर के मेजर पार्ट हैं वो भी सी से ही बनाए गए हैं। वेब ब्राउजर क्या होता है कि इंटरनेट एक्सेस करने के लिए जिन ब्राउजर्स का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम वेब ब्राउजर बोलते हैं। सी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये सबसे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। और स्टूडेंट्स के लिए सी लैंग्वेज सीखनी इम्पोर्टेंट क्यों है? सी इज इम्पोर्टेंट टू बिल्ड प्रोग्रामिंग स्किल्स। सी प्रोग्रामिंग स्किल्स को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आपको सी प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ती है, उसके बाद आप दूसरी प्रोग्रामिंग स्किल्स को अच्छे से सीख पाएंगे। सी कवर बेसिक फीचर्स ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी के अंदर हम जो बेसिक फीचर्स हैं जो सारी लैंग्वेजेस में यूज किए जाएंगे उनको हम सी लैंग्वेज में कवर करेंगे। जो बेसिक फीचर्स हम दूसरे लैंग्वेज में और सी लैंग्वेज में पढ़ेंगे वो है एरे, लूपिंग, स्ट्रक्चर, पॉइंटर, फंक्शन, ये सब चीज़ें हम सी में भी पढ़ेंगे और दूसरी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होंगी उनमें हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। सी के अंदर ये सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे और फिर जो दूसरी सारी लैंग्वेज हैं जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, उन सब में हम इनको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, उनमें हमें फिर ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगला टॉपिक देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या थी? सी लैंग्वेज डेवलप होने से पहले मार्टिन रिचर्ड्स ने 1966 में BCPL लैंग्वेज को डेवलप किया, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसकी BCPL की फुल फॉर्म है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये 1966 में डेवलप की गई थी। इससे अगला कैन थॉमसन, जिन्होंने बी लैंग्वेज को डेवलप किया 1969 में, और ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के भी डेवलपर थे। इसके बाद में 1972 में डेनिस रिची ने डेवलप करी सी लैंग्वेज एट AT&T बेल लैब्स में, जो कि USA में है, और ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के को डेवलपर भी थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बात की इंट्रोडक्शन टू सी और हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। अगले वीडियो में हम देखेंगे सी लैंग्वेज की डेफिनेशन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।